अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सज्जनों भाइयों, थोड़ा की हाल चाल? ठीक हो? सेहत भी ठीक थी। आज मैं किसी भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला। आज मुझे थोड़ा जहा बड़ा ना गुस्सा है यार, इंडिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा। लेकिन इंडिया के उन्होंने लोगों के जेडे पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बाढ़ रखते हैं, अजीब किस्म का उन्होंने रवैया पाकिस्तान के खिलाफ। अज देख लो कि बनया जी, फिर दो त्यारे हैं, दो ही पाकिस्तानी शहीदों ने शहजादे मेरे दिल ने दहाड़िया ने शहजादिया ने गिरा के परा मारे हो रहा है। तो कलो अगर जंग करनी तो दसो, चुप चुप के वार करने का पुत्र की फायदा? जो थोड़े को जंग करने जोगी हिम्मत ही नहीं आया तो क्यों पाकिस्तान आप फैले थे? तुम्हें पता होना चाहिए पाकिस्तान ओ कौम है, खुदा की कसम वो कौम है। अगर कोई वायर हो जाए या कोई शहादत का मामला आ जाए तो माँ अपने बेटे को खुद कहती है, बेटा जाओ, बेटा जाओ, आज जंग का दिन है, जाओ शहीद हो जाओ जाके। मैंने देखा है अपनी वीडियो में जाके, अपनी फेसबुक यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखो, फेसबुक के ऊपर वीडियो देखो, जब आपका कोई मुल्क का कोई शहजादा जनाब या आपका बड़ा शहीद फौजी आर्मी का कोई जवान आपकी कब शहीद होता है तो माया रोती हैं, पिलकती हैं, हमने अपने शहजादों को नहीं भेजना, अपनी लाद को नहीं भेजना, नहीं भेजना। यहाँ देखो खुदा की कसम माए तरसती हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो, शहीद हो, इसे पाकिस्तान कहा जाता है। और हमारे साथ अगर आप जनाब पंगा लोगे, किसी भी किस्म का पंगा पाओगे, छेड़खानी पाओगे, जिते है उत्थे ही मर जाओगे। सच्ची बात है, पाकिस्तान के नाल पंगा लैन तो पहला 10 बारी सोचो, 10 बारी। एक गल याद रखियो, थोड़ी वो वजीरे खारजा जी साढ़े वजीरे खारजा के नाल मिलन वास्ते तैयार ही नहीं सी, हुण वो कैमरे के अगे आके जनाब वीडियो के अगे आके ये कह रही है कि मैं जनाब अभी मशवरे करने वास्ते तैयार हाँ, आपस बह के गल करने वास्ते तैयार हाँ। हुण की फायदा जब पानी उत्तों की निकल गया है, उदों की फायदा? साडा वजीर आजम माशाला इमरान खान साहब उन्होंने पेशकश की कि भाई आओ पनामा का जो पंगा बना पालामा का, उसके बाद फिर भी उन्होंने कहा भाई आओ हमारे साथ करो, बैठो, बैठ के कुछ बात है, कोई मामला है तो उसे बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने नहीं मानी, जब हमला किया तो फिर जवानों ने जवाब दिया कि नहीं दिया, ऐसा जवाब दिया कि मेरे ख्याल से अब आप जरूरत नहीं करोगे पाकिस्तान की तरफ आंख उठाने की। ये बात बताता चलूं, पाकिस्तान का जो इस्लाम का जो है, इस्लाम जो तालीमात देता है उसके मुताबिक मुझे तो खुद से मैं पाकिस्तान नहीं हूँ। जब मैंने ये देखी, ये मैंने वीडियो देखी तो तकरीबन मेरी आंखों के अंदर से पानी की नमी आनी शुरू हो गई कि एक काफिर दुश्मन मुल्क का आदमी जो कि पाकिस्तान में इंटर हुआ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए, और पाकिस्तानियों की आर्मी ने उसे पकड़ कर क्या किया? मारा, जलाया नहीं, क्या किया? उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, उसके साथ देखा, अपने वीडियो देखी होगी, वो बंदा चाय पी रहा है जनाब, सुर्खड़ियाँ लगा लगा के वो बंदा चाय पी रहा है विदाउट एनी टेंशन, और वो बंदा अपनी जुबान से कह रहा है कि मैं अब पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा मुतफिक हूँ, यानी कि मैं पाकिस्तान को अगर ऐसा मामला आ जाए कि मैं पाकिस्तान में रहूँ तो मैं पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार हूँ। आपकी आर्मी, आपकी एयरफोर्स के जवान ही आपके मुल्क को बचाने के लिए जनाब राजी नहीं, बल्कि वो इधर आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम प्यार कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं उन्हें, झगड़ा नहीं कर रहे। आपको पेशकश की कि आओ मुज़ाकरात करो बैठ के, लेकिन आपने नहीं मानी जनाब। जब पानी सर के ऊपर से निकला, आपको जनाब पानी में गोते आने लगे, तो फिर आपने कह दिया कि जनाब हम राजी हैं, हम अब तैयार हैं आपसे मुज़ाकरात करने के लिए। अब क्या फ़ायदा? लेकिन अब भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि आओ हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आओ की बात है तो मसले को बैठ के हल कर लेते हैं, कोई बात कोई है तो लड़ाई से क्या होगा। उन्होंने फिर हवाला दिया सन 71 का, 65 का, वो जंग भी इसी वजह से, थोड़ी सी नासमझी की वजह से। और अब हम ना समझी क्यों करते हैं?
अरे भाई तुम्हारे पास भी एटमी ताकत है और हमारे पास भी एटमी ताकत है, फिर भी मेरा ये मौकफ कभी नहीं है कि आपको मैं गालियां दूं, इंडिया को गालियां दूं। क्यों मैं इंडिया को गालियां दूं? मैं एक इंसान हूँ, मेरा इस्लाम हूँ, मेरा इस्लाम से ताल्लुक है और मेरा कभी भी ये मन नहीं करता, कभी भी मेरा इस्लाम ये इसकी तालीमात नहीं देता कि मैं किसी ऐसे बंदे को गालियां दूं जो कि मेरा दुश्मन हो। बल्कि मुझे याद आ गई बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी सहाबा इकराम ने एक पकड़ा एक काफिर को और मस्जिद नबी में लाके स्तून के साथ बांध दिया। उसका नाम शायद समामा था, मेरे ज़हन में समामा शायद उसका नाम था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा इस समामा का खाना 3 वक्त की रोटी मेरे घर से आ करेगी। देखो मेरे पैगंबर ने 3 वक्त की रोटी अपने दुश्मन को दे रहे हैं, एक कड़वा शाम को दूध का, समझ रहे हैं ना, वो दूध का भी उसे हर रोज मेरे पैगंबर के घर से। हमारा इस्लाम हमें इस बात की तालीम नहीं देता कि हम किसी को बहुत किसी के साथ ज्यादती करें या किसी के साथ बुरे रवैये के साथ पेश आए। सच्ची बात है हमारा इस्लाम ऐसी इजाज़त नहीं देता। उम्मीद है कि आपका जो मज़हब है वो भी इजाज़त नहीं देता होगा, लेकिन अगर हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, मिल बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों नहीं आ रहे? आओ बाकी बातचीत करो, कि मसला है, कोई परेशानी है तो बताओ। एक छोटा बच्चा अपने घर से निकलता है और उसे रास्ते में परेशानी आती है तो वो घर वापस आता है, अपने बच्चे को अपने अब्बे को बताता है, अब्बा जी मुझे रास्ते में फलां परेशानी आई। और क्योंकि अब्बा जो है वो बड़ा होता है, इसलिए बच्चा अब्बे के पास जाता है कि अब्बा जी मुझे फलां फलां परेशानी आई है। तो आओ अपने पाकिस्तान के पास आओ, मैं अब्बे के साथ नहीं मिलाता क्योंकि ये भी कुछ गलत बात ना हो जाए। आओ पाकिस्तान के साथ आओ, मिल बैठो। बच्चा है ना, सुनना समझी है, वालिद नहीं समझाना है भाई लोग। अगर आप ना समझ बन रहे हो तो हम क्यों ना समझ बने? ऐसे तो खत्म मुमकिन नहीं है। अगर आप मुज़ाकरात के लिए तैयार ना हो और हम हो जाएं हैं, तो अगर आप हम हो भी जाएं, आपको कह भी रहे हो कि भाई आओ आओ आओ, कोई मसला है तो बताओ, कोई परेशानी है तो बताओ, लेकिन आप इसके बावजूद अपने जनाब जहाज उठाएं, फलां उठाएं, तोपे उठाएं, आएं और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। और भाई लोग, जिसके घर के ऊपर जाकर तुम हमला करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या उम्मीद रखते हो कि जो घर के अंदर बैठा हुआ है वो खामोश बैठा हुआ है कि चलो कोई बात नहीं, हमला करके मेरे घर को तबाह करके चले जाएंगे? यार हम सड़के हुए हैं, अगर तुम हमला करोगे तो हम हमले का जवाब, जनाब अगर तुम मुक्का मारोगे तो मुक्के का जवाब तलवार से देंगे, तुम्हारा हाथ जिससे आपने मुक्का बनाया वो तोड़ देंगे। क्यों तूने हमारे मुल्क के ऊपर आके वार क्यों किया? जंग करना चाहते हैं तो जंग के मैदान में उतरो, अगर नहीं करना चाहते तो भाई क्यों तंग कर रहे हो? तंग तो ना करो, अगर तुम तंग करोगे तो जनाब, वैसे कभी हमने पहल तो नहीं की, कभी भी आपके मुल्क किसी भी इलाके को कभी भी पहल करके नुकसान नहीं पहुँचाया। जब आपने पहुँचाया है नुकसान पाकिस्तान को, तो बदले में पाकिस्तान आपको नुकसान पहुँचाएगा। मेरी एक बात याद रखना, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। इतना गुस्सा है हम में, सिर्फ गुस्सा नहीं, गुस्से को इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे कि भाई अगर आप हमारे ऊपर वार करेंगे तो तुम्हारे वार का जवाब वार से नहीं बल्कि तुम्हारी गर्दन को उतार के देंगे। ऐसा जज्बा, जोश, वलवला है हमें। ये बात याद रखना, किसी भूल में ना रहना कि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है और ये छोटा सा मुल्क कुछ नहीं कर पाएगा। हम इतना बड़ा मुल्क, इतने 36, 37 हमारे सूबे हैं, हम उन्हें तबाह करके वापस आ जाएंगे। कभी ऐसा मत सोचना पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जिंदाबाद।